मोबाइल और मोबाइल। तेरी जिम्मेदारी सामान की, मैं खुद की जिम्मेदारी हूँ। तू लेके सोएगा तो क्या तेरा वाद के आदमी तेरे पीछे लगा रहेगा क्या? हाँ भाई, वो चेक करूँ तो आपके सामान। वो मेरा काम नहीं है, तू कर कंप्लेन और अभी उतरने के तैयार हो। आर्मी में है तो कुछ भी करेगा क्या? तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक घटना बताई जाए जो कि इस ट्रेन में घटित हुई। सो गाइस, हुआ क्या, सूरत से जैसे हमारी ट्रेन निकली, एक बंदे का फ़ोन चोरी हो गया और ये बॉम्बे टू पेशावर बाया दिल्ली एंड लाहौर वाले रूट पे चलती थी। What's up guys, this is Vishal and I come back to my YouTube channel with another journey. So भैया, आज हम journey करने वाले हैं train number 02903 Golden Temple Mail, जो कि काफ़ी famous train है। ये train originate होती है मुंबई Central से रात को 9:25 पे और ये आपको तीसरे दिन पहुंचाती है अमृतसर 5:30 पे ये आपको अमृतसर पहुंचाती है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम आ चुके हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और अभी लगभग टाइम हो रहा है 6:00, तो हमारी ट्रेन 9:25 पे यहाँ से चलेगी। तो 3-3.5 घंटे हैं अभी, ऐसा कुछ है स्टेशन। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के अंदर। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे मतलब एंट्री ली, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी टिकट चेक हो रही है एंड कोई भी यहाँ पे स्क्रीनिंग कुछ नहीं हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं ये देखिए कतार में, और ये है 2 और वो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे आएगी आज की अपनी। और यहाँ पे देखिए पार्सल वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे पार्सल सब लोड होंगे हमारी गाड़ी में आज की। और देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेशन है, बहुत ही बड़ा हॉल है, ये टर्मिनल बना है। यहाँ पे हर एक ट्रेन टर्मिनेट हो जाती है, देखिए यहाँ से आगे कोई भी ट्रेन नहीं जा पाती, पता है ना आपको, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है हर एक ट्रेन। और हमारी ट्रेन लगेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बट लगी नहीं अभी। सो टाइम भी हो रहा है 7:35 और हमारी ट्रेन सामने से आ गई है, मैंने देख ली है आज की अपनी ट्रेन। भाई देख सकते हो हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और बता दूँ इस ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन मुंबई से लेके अमृतसर तक टाइम लेती है 32 घंटे और 5 मिनट। स्टॉप की बात करें तो मुंबई से लेके अमृतसर के बीच में इसके 33 स्टॉप्स हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो ये ट्रेन, आज की हमारी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी 1893 किलोमीटर का। एवरेज स्पीड है इसकी 59, मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर तक जा सकती है। मैं चल के बहुत आ गया हूँ, पीछे काफ़ी लंबी ट्रेन है गाइस ये, और काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं। तो आज हम जर्नी करने वाले हैं D2 सीट नंबर 90। तो चलिए कोच में चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं इस ट्रेन का लोकोमोटिव। देखिए ये अपना आज का कोच सीट नंबर 90। देखिए यहाँ पे बिछा लेते हैं हम चादर और यहीं पे रात को सो के हम पूरी जर्नी कंप्लीट करेंगे आज। लो ये दाल ली हमने अपनी, इधर सोने मत देना अंगली को, ठीक है अंगली, इधर सोने मत देना ठीक है किसी को। ये मैं बनाऊंगा वीडियो और भैया ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया? ठीक है। कहाँ जाओगे आप? दिल्ली? ये अपने साथ ही आएंगे दिल्ली। चलिए दिखाते हैं इसका लोकोमोटिव। तो भाई मैंने आपको दिखाया पीछे जो लोकोमोटिव है, बैप 7 का है, वडोदरा शेड का, और उसकी हो रही है पीछे शंटिंग। आज का मेरा क्वेश्चन है कि जो पेंटोग्राफ और वायर होती है ऊपर, तो वो पेंटोग्राफ घिसता क्यों नहीं है एंड वायर क्यों नहीं घिसती है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, जो इसका आंसर देगा उसको शॉर्ट आउट मिलेगा। गाइस क्या आपको पता है कि जो हमारी गोल्डन टेंपल मेल है, इसका पहले क्या नाम था और ये किस रूट पे चलती थी? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी गोल्डन टेंपल मेल है, इसका पहले नाम
ऑपरेटर मेल था और ये बॉम्बे टू पेशावर बाया दिल्ली एंड लाहौर वाले रूट पे चलती थी, लेकिन जब हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान अलग अलग हुए तो ये जो अपनी ट्रेन है ये अमृतसर एंड बॉम्बे वाले रूट पे चलने लगी और इसका नाम गोल्डन टेम्पल मेल रख दिया गया। बट 8 अक्टूबर 1927 में इसका नाम फ्रंटियर मेल हुआ करता था। 9:26 29 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पीछे देख सकते हो हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के पहले हॉल्ट पे जिसका नाम है बोरीवली। सो यहाँ पे मतलब ऑन द टाइम हमारी ट्रेन पहुँची है और ये इसका फर्स्ट स्टॉप है, इसके बाद ये महाराष्ट्र छोड़ देगी। सो बोरीवली स्टेशन की बात करें तो गाइज यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसका स्टेशन कोड है BAVI और सीधा मिलते हैं आपको सूरत में 1 बजे। अगर नींद खुली रहेगी तो 1 बजे मिलेंगे, अदरवाइज आएगा तो हम जा रहे हैं सोने के लिए और कल आएगा सही ब्लॉगिंग करने का मज़ा। कल ये हमारी जो ब्लॉगिंग होगी सही मज़ेदार वो कल सुबह शूट होगी हमारी, कॉज अभी नाइट हो गई, नाइट में ना व्यू दिख पाता है ना कुछ दिख। तेरी जिम्मेदारी सामान की, मैं खुद की जिम्मेदारी हूँ। तू लेके सोएगा तो क्या तेरा वाजी के आदमी तेरे पीछे लगा रहेगा क्या? हाँ भाई बस चेक करूँ सब के सामान। वो मेरा काम नहीं है, तू कर कंप्लेन और अभी उतरने के तैयार हो। आर्मी में है तो कुछ भी करेगा क्या? बात वो नहीं सर, बात ये है तुम आर्मी वाले ने शर्म लेना पड़े। तुम लोग साले आर्मी में रहकर ऐसी हरकतें करते हो, दारू पी के पड़े रहते हो। दारू पी के पड़े नहीं सर, मैं रात भर मेरे पिताजी को कल मैं लेके गया था, मेरे को डॉक्यूमेंट है। मैं कल रात पूरी हालत में बैठा था, ये सब देख रहे किस हालत में तू सोया था यहाँ पर घाया था इनको जब तुम्हारे सामने। आप मैं जानता हूँ, मैं पूरी रात में 2 दिन से रात भर सोए सो नहीं पाया था। चलो चलो आते वाला सामान लेके रेडी रहे पड़ा उतरने के लिए। अरे सर मेरा मोबाइल देख लो, उतरने के लिए उतर लड़का चढ़ा ना स्टेशन पे वही ले गया उठा। चार गर्लफ्रेंड में चढ़े थे इधर। हाँ चार जने चढ़े थे जब तो उतर गए वो, तभी तुरंत उतर गए पता नहीं उतर। मैं तो सोच रहा था भाई मेरा तो बैग ही ले गए थे कानपुर से। इस टाइम हो रहा है 4:05 और हमारी ट्रेन आ चुकी है गोधरा जंक्शन पे। सो ये इस ट्रेन का फोर्थ यानी कि चौथा स्टॉप फोर्थ स्टॉप है। दो एक दो एक अभी हमारी ट्रेन को यहाँ से निकलने में कम से कम 5 मिनट का टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक घटना बताई जाए जो कि इस ट्रेन में घटित हुई। सो गाइस हुआ क्या, सूरत से जैसे ही हमारी ट्रेन निकली एक बंदे का फ़ोन चोरी हो गया, मतलब शरेआम चोरी हो गया। बंदा सो रहा था, गहरी नींद में था, खुद को वो बोल रहा था कि मैं आर्मी में हूँ एंड मुझे भी लग रहा था कि वो आर्मी में है। मैंने उसकी वीडियो बनाई है जब वो चैन पुल कर रहा था, तो वहाँ पे फ़ोन चोरी हो गया। उसके बाद उसने चैन पुल कर दी जंगल में, भाई सूरत के आगे थोड़ी सी जंगल में रोक दी ट्रेन और पुलिस वाले आ गए उस पर, मतलब पूछने लगे पुलिस वाले आ गए और पूछने लगे उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तूने चैन क्यों पुल करी। बट किसी ने कोई हेल्प नहीं करी उसकी,
को किसी ने कोई भी हेल्प नहीं करी, तो इसलिए भाई अगर आपके साथ भी फ़ोन चोरी हो जाता है तो आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल हो। मेरे साथ भी हो चुका है तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मतलब आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और उस बंदे को पेनल्टी दी गई और उसको कहाँ पे उतारा, उसको वडोदरा में उतारा और पुलिस पकड़ के ले गई। तो उस पर मतलब चार्जशीट पे मतलब एप्लीकेशन दी, पता नहीं क्या क्या कार्रवाई होगी उस पर या फाइन लेंगे क्या लेंगे, बट उसको वडोदरा में उतार दिया गया बेचारे को, और यही घटना हुई। तो चलिए टाइम हो चुका है डिपार्चर का, देखते हैं इस ट्रेन का डिपार्चर गोधरा से। देखिए भाई गोधरा से सो गाइस अभी हमने स्किप करा है मेघनगर, जो कि इस ट्रेन का 6th हॉल्ट था। तो यहाँ पे एक बारात डीबोर्ड हुई है, मतलब बारात भी कोरोना के टाइम में ट्रेन में जाती है, बारात भी फर्स्ट टाइम देखा मैंने कि जहाँ पे मतलब गुजरात वाली साइड। तो अब मिलते हैं आपको सीधा रतलाम में। ओके 15 मिनट्स लेटर गाइस, होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो एक नई सुबह हो चुकी है, यानी कि सुबह हुई थी, बट अभी हम पहुंच चुके हैं नागदा जंक्शन पे।